अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज आपको दिखाते हैं हम लोग हमारा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के साथ ही ईदगाह है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं कब्रिस्तान। जैसे कि आपको बताया, ये है हमारा ईदगाह जहां हम ईद की नमाज अदा करते हैं, और साथ ही है फुटबॉल ग्राउंड। सूरज की वजह से आपको नजर नहीं आएगा, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं हम कब्रिस्तान। दोस्तों, इधर जितनी भी कब्रें हैं सभी कच्ची कब्रें हैं, कोई कब्र पक्की नहीं है, मतलब कोई कब्र ईंट की नहीं बनी हुई। जैसे कि आपको बताया है, ये है हमारा ईदगाह जहां हम ईद की नमाज अदा करते हैं कब्रिस्तान के साथ ही। पूरा गांव इधर आता है पैदल ईद वाले दिन, तो इधर नमाज अदा करके फिर पैदल ही गांव जाते हैं। ईद की नमाज अदा करके कब्र पे अपने वालदैन बहन भाई के लिए दुआ करके तो फिर वापस जाते हैं सब लोग। दुआ की कि अल्लाह पाक इस रमजान के सदके सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप सब भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमारे आगे रास्तों में आसानियां पैदा करें और हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अभी हम इधर वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल आपको अपनी मस्जिद का भी व्यू करवाएंगे। आप भी सब हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह आगे आपको न्यू और न्यू व्लॉग दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।